बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम जी एन और वेलकम कर रहे हैं थोड़ा अपने चैनल अजीजा साहब ब्लॉग्स में। उम्मीद कर रही हैं कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक तुम सब ठीक ठाक रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। हाँ जी, जिदा कि तुम्हें पता कि कोरोना की बहुत बड़ी बीमारी वबा फैली हुई है, तुम दुआ करियो कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो जो बीमार है उन्होंने भी सेहत याबी अता फरमाए, अल्लाह ताला आमीन। हाँ जी जी, अज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होगी। रेसिपी आप बना रहे हैं कुरकुरी भिंडी की, बहुत ही मज़े की भिंडी बनती है, तुम भी लाजमी ट्राई करियो। बहुत ही सिंपल जी आसान जी रेसिपी आ, बहुत ही हेल्दी आ, मतलब अच्छी आ, तुम लाजमी ट्राई करियो। हाँ जी जी, स्टार्ट कर दी। सब तो पहले जी भिंडी नहीं आप किस तरीके कटना वा कि मसाले वगैरह डालने कि बनाने वो जी आप स्टार्ट कर दी। हाँ जी जी, भिंडी मैं कुछ भिंडिया मैं कटिया वा कि कटिया वो जी तुम दस दिनी हाँ। भिंडी पहले दोनों साइडों तो कट लेना, कटने तो बाद जी ये इस तरीके दरम्यान चो पीसिस करने, दो पीसिस कर लेने। यह जी मैं कटी हुई हाँ। भिंडी पहले अच्छे तरीके धो लेना, धोने तो बाद जी भिंडी इस तरीके कटना, क्योंकि भिंडी ना कटने तो बाद नहीं धो हुई होंगी क्योंकि ये पानी सारा चले जाता वा, इस वजह तो क्योंकि भिंडी फ्राई वगैरह करना होंगे बाद फिर जी मुश्किल होंगी आ, इस वजह तो पहले भिंडी अच्छे तरीके धो लेना वा। नॉर्मल साइज की भिंडी ले, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं गी, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं गी, नॉर्मल तुसी देख के ले लेनी है साइज की भिंडी। भिंडी तो बहुत ही मज़े की लगती है जो सैलड वगैरह बनाने ना भिंडी का, तो भिंडी जो तो फ्राई किया जाता वा कली सादा भिंडी नमक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हों, वह भी अगर तुम भिंडी खाने ना थोड़ा जहा हल्का जहा नमक पा के बहुत ही मजे की लगती है। मैंने तो भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है जो ना कट के जो फ्राई की जाती है ना सालन वास्ते, शुरू तो मैं छोटी जी होंगी थी ना मम्मा को पहले ही पवा के खा लेनी, मम्मा जी भिंडी पा दे, मम्मा कहती होंगी कि तुम ना पहले ही भिंडी पका देनी, इन्हें सालन की बना मैं तो सीधे ही खा लो बस। तुम भी दस कि इदा भिंडी खाने का शौक सगा पहले ही, मतलब सालन पकाने तो पहले ही। हाँ जी जी, सालन तो नहीं आप बनावे भिंडी का, भिंडी होती बस सादा खाने लिए बना रहे हैं। ए जी भिंडी कट ली है तकरीबन अद्धा किलो भिंडी ली है मैं। हाँ जी जी, अद्धा किलो मैं भिंडी ली थी, इन दरम्यान चो चीरा देख कट लिया वा, होर जो मसाले पाने वा मैं तुम्हें दस दिनी हाँ। ए जी तकरीबन तीन टेबल स्पून के लगभग बेसन लिया वा मैं, एक चाय का चम्मच नमक, अद्धा चम्मच मैं कुटी हुई जी होंगी ना लाल मिर्च वो ली आ, पिसी हुई लाल मिर्च ली आ, एक चम्मच मैं अद्धा चम्मच ली आ जी हल्दी आ, वह मैं अद्धा चम्मच ली आई हूँ पा देंगे बिच। इन्होंने भी अच्छे तरीके मिक्स कर लेंगे। हाँ जी जी, घी भी गर्म हो गया वा, जो मसाला जो सीते कुटिया से ना आप तुम दसिया बेसन से नमक मिर्च से हल्दी सी कुटी हुई किसी हुई लाल मिर्च सी नमक एक एक चम्मच लिया, लाल मिर्च भी एक चम्मच ली थी जी कुटी हुई थी ना वो अद्धी चम्मच ली थी, जी हल्दी सी एक चम्मच अद्धा चम्मच ली थी। हाँ जी, आज भिंडी है इन्हें पा देंगे। फ्राई करना कोशिश करनी है जी, ये ख्याल करना कि जरा घी गर्म होया हो ना अच्छे तरीके गर्म होया हो, ताकि जी भिंडी आप बहुत ही जबरदस्त अच्छे तरीके फ्राई हो। देखो जी हम भिंडी हाँ जी, कुरकुरी भिंडी फ्राई होनी मैं पाई हुई थी बेच,
तीन स्टैप से मतलब तीन स्टैप ते दूसरा स्टैप मतलब बिच में भिंडी भिंडी पा दी है तीसरा मतलब स्टैप वाले रही वा तो यह जी भिंडी फ्राई हो गई है कल खोनी हाँ यह देखो जी बहुत ही जबरदस्त कुरकुरी भिंडी तैयार हुई है हाले फ्राई हो रही है इनू ही इस तरीके फ्राई करा जिदा कि इनू फ्राई किया वा बहुत ही आसानी ना फ्राई कर सकती है तुम बहुत ही आसान आसान जी सिंपल जी हैगी देखो जी जो भी हिला सीधी आराम हिला वा प्यार ऐसे तरह तरीके भिंडी को फ्राई होने देवे बाद चो ए बाकी जी रही पनीर फ्राई कर लेंगे अद्धा किलो बस ले सी इन्नी सारी भिंडी बन गई है अगर तुम ज़्यादा बनाना चाहते हो तो डबल मसाला कर लो अगर कम खाना चाहते हो पाइया मतलब भिंडिया भी बना चाहते हो कुरकुरी भिंडी तो जे मसाले में पाए उन्होंने मसाल का अद तुम मसाले पा रहे हो बस बहुत ही आसानी से बना सकते हो हाँ जी जी ये भी भिंडी फ्राई हो गई है कढ़ लेंगे जी भी दिल करता होना दोबारा दोबारा वही चीज़ा खा के आक गया होने यार लास्ट में ट्राई करिए सारी बिच ट्राई करिए बहुत ही मजे की बनती है जी भिंडी फ्राई हो गई साइड रख लेंगे होर जी ए जी बाकी भिंडी बस गई इन भी हम आप फ्राई कर लेंगे हाँ जी जी भिंडी पा दी हमने भी फ्राई होगी फिर मैं थोड़ा दिखाई हाँ यह जी कुछ मेरी भिंडी हुई थी फ्राई है देखो जी बहुत ही मजे की बनी है मैं तो बहुत ही ज़्यादा भिंडी पसंद है मैं तो मतलब मैं भिंडी तो करेले हो गए करेले भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते बहुत ही मजे से बनते हैं भिंडी भी इन्होंने भर के भी बनाया जाता और हर तरीके बनाया जाता साल गंढे पा के भी बनाया जाता सिंपल भिंडी का भी बनाया जाता वा कुछ हल्का हल्का मसाला पसंद करते हैं उन्होंने भी बनाया जाता हर मतलब जी रेसिपी है वो काफ़ी तरीके बनाया जाता टेस्ट वगैरह चेंज किया जाता बहुत ही मजे दिया बनदियाँ यह जी भिंडी की रेसिपी ट्राई करी बहुत ही मजे की बनती है पंजाबी स्टाइल की कुरकुरी भिंडी बिल्कुल सिंपल जी रेसिपी हैगी हाँ जी जी यह जी भिंडी है भी फ्राई हो गई है इन्हें कट लवेंगे इन्हू तुम कैचअप चटनी अंब की चटनी केड़ी भी मतलब तुम चटनी पसंद करते हो भी लै सकते हो तुहाड़े कोल कोई चटनी भी मौजूद नहीं है ना तुम कैचअप नाल भी लै सकते हो अगर कैचअप भी नहीं है ना तो सिंपल भिंडी भी खा सकते हो बहुत ही मजे की लगती है लो जी अज की रेसिपी बन के तैयार हो गई है भिंडी वो भी कुरकुरी मजे की बहुत ही मजे की आ ट्राई करोगे तो फिर दसोंगे ना ट्राई करके दस्यो कि लगी लाइक कमेंट करके दस्यो कि लगी हो जी बहुत ही मजे की लग रही है देखो जी थोड़ा भी दिल करेगा कि तुम भी जल्दी जल्दी आके ना भिंडी दे कुरकुरी भिंडी खा लवो है पर मैं कोई नहीं देनी दुनी हैगी मैं तो आप भी नहीं बनाई हैगी मैं तो घर वाले भी नहीं देनी हैगी मैं तो आप भी नहीं बनाई है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भिंडी पसंद आ पर मैं इदा भी कोई नहीं सभी ना शेयर करके खावे बहुत ही टेस्टी बनती है तुम भी ट्राई करियो कल ना खाइयो सभी नू मतलब खिलाइयो ये ना हो सू थे मुँह वाले देख कह भिंडी खुद बना के खुद ही खा रही है सू ट्राई नहीं मतलब सू चेक तक नहीं कराई सभी चेक कराइयो खाइयो बहुत ही मजेदी बन रही है चैनल से नवे आए हो तो चैनल सबसक्राइब कर लियो ना घंटी और मेरे ग्लास भी प्रेस कर रही हो ताकि इन थोड़े लिए सोने सोने वीडियोज़ लैके आती रहा हाजिर होंगी रहा बहुत सारी दुआओं के नो इजाजत चाहनी हाँ लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलियो वीडियो अगे अगे शेयर कर रही हो तो अच्छी लगी है तो लास्ट में शेयर करियो इजाजत चाहनी हाँ अल्लाह हाफिज़।